ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब भी हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से फिर IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो तत्काल टिकट बुक करते समय IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC पेज ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा IRCTC पेज या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉग आउट ना हो सके, जिससे हम लोग इजीली तत्काल टिकट कंफर्म बुक कर सके। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आजकल काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करते हैं स्लीपर या फिर AC, तो ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम आता है तो स्लीपर के टाइम आता है, क्योंकि स्लीपर के टाइम में सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। इसकी वजह से हम लोग काफ़ी जल्दी करते हैं तत्काल टिकट बुक करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों का IRCTC पेज या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। इसके बाद लॉग इन करने के लिए हम लोग को काफ़ी सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, और 3 से 4 मिनट तक हमारा IRCTC पेज या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉगिन ही नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को करना क्या है, जब भी हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करेंगे तो फाइनली IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में अपडेट आ चुका है, तो आप लोगों को प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपके पास IRCTC 3 अकाउंट है, तो आप लोगों को जिस अकाउंट से यानी कि जिस यूज़र ID से तत्काल टिकट बुक कर रहे थे वो अकाउंट आपको चेंज कर लेना है। इसके बाद आप लोग इजीली तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से। लॉगिन का टाइम भी आपको ध्यान देना है, जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 10:03 पे आपको लॉगिन करना है। जब आप तत्काल टिकट AC के टाइम बुक करेंगे, यदि स्लीपर बुकिंग करेंगे तो 11:03 पे लॉगिन करना है। यदि आप पहले लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद ऑटोमेटिक पेज लॉग आउट हो जाएगा, इसके बाद आपको लॉगिन भी नहीं हो पाएगा 3 से 4 मिनट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोग यदि IRCTC के वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को तत्काल टिकट बुक करने से पहले हिस्ट्री का आपको डिलीट कर लेना है। हिस्ट्री डिलीट करने के बाद आप लोगों को न्यू यूजर ID से लॉगिन करना है। यहाँ पे आप लोग यदि वेबसाइट से लॉगिन करते हैं तो आपको 1 मिनट पहले ही लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मास्टर लिस्ट में आप लोग पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रखना है। इसके बाद पेमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे पेटीएम या फिर फ़ोनपे यूज कर सकते हैं। इसके बाद इजीली आप लोग तत्काल टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC की वेबसाइट से विदाउट लॉग आउट हुए तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।